नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ध्याचल डीसी पिटिप चैनल से। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के चक्कर में जो है सभी का वर्कआउट बंद है, जिम खुले नहीं है और घर पे क्या है, कोई कुछ भी नहीं करना चाहता, कोई वर्कआउट ही नहीं कर रहा है। और मैं ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका सप्लीमेंट चल रहा है, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के चक्कर में लगे हुए थे, कॉम्पिटिशन भी पोस्टपोन हो चुके हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, कोई किसी की तैयारी नहीं हो रही और सभी की साइकिल चल रही थी अधिकतर। अब साइकिल जिसकी भी चल रही थी, या तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिर साइकिल भी बंद हो गई उनकी, तो इसलिए उनको दोनों तरीके से नुकसान हो रहा है। नुकसान इस तरीके से हो रहा है, अगर एक्सरसाइज करते हैं सप्लीमेंट नहीं लेते तो नुकसान है, एक्सरसाइज नहीं करते और सप्लीमेंट लेते हैं तो भी नुकसान है। इसलिए दोनों चीज़ों को लेके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी ये गलती ना करें। जिन्होंने जिनके पास सप्लीमेंट रखा हुआ है वो ये सोचे कि इस सप्लीमेंट को मैं रख देता हूँ, जब जिम खुलेंगे तब एक्सरसाइज करूँगा, तभी मैं उस सप्लीमेंट को खाऊंगा, वरना होगा क्या, आप जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था फिर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वापस वहीं पहुँच जाओगे, आपके शरीर में कुछ नहीं बचेगा, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी आपकी, मसल्स नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है, आपकी जो साइकिल चल रही है, जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं आप, आपका वर्कआउट उस तरीके से नहीं हो रहा तो उस सप्लीमेंट को आप 50% में ला सकते हैं। जो आपकी डोज थी, मान लो आप 4 बार ले रहे हैं, उसको 2 बार लें, ठीक है। वर्कआउट का ये है कि आपको फ्री हैंड एक्सरसाइज हर किसी को पता है, हर किसी को पुशअप, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक वगैरह जो भी फ्री एंड एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेचिंग तक हैं, आप उन एक्सरसाइजों को करते रहें और जो सप्लीमेंट आपका चल रहा है उसको खाते रहें, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। आप एक तो जिम बंद है, काम धंधे बंद है, ऊपर से आपका जो सप्लीमेंट है उसको लेके आपको इतनी दिक्कत आ जाएगी कि दोबारा स्टार्ट करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और यह समझाना चाहता हूँ कि सभी के पास कुछ ना कुछ इंतजाम ऐसा होना चाहिए, जिम में जाके आप जिनके भी ट्रेनर या ओनर जो उनको अच्छी तरह जानते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके डंबल प्लेट घर पे ला सकते हैं, उसको आप लाके उसी से ही वर्कआउट करते रहें। इसलिए आपकी बॉडी में जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं आएगा, आप बिल्कुल ही वैसे ही सेट रहेंगे, मुश्किल से 19-20 का चेंज आया आपके शरीर में, वरना आप अगर वर्कआउट नहीं करते, सप्लीमेंट नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि वर्कआउट प्लस सप्लीमेंट जिसका चल रहा है उसको वैसे ही चलाते रहे, जो नॉर्मल है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी हाँ जो नॉर्मल है उनको भी मैं यही कहूँगा, अगर वो वर्कआउट नहीं करते तो उनके भी स्टेमिने में फ़र्क आ जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, जिनका वेट ज़्यादा है उनका कम हो जाएगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, अपना वर्कआउट, अपनी डाइट, उसको जैसे चल रहा था वैसे ही चलाते रहें, एक्सरसाइज आप किसी भी तरीके से ना छोड़ें, जहां आप 1 घंटे करते थे उसको आप 30 मिनट कर लें, लेकिन छोड़े ना। बाकी ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे अपने दोस्तों को भी बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आगे जो आपके यार दोस्त हैं उनको भी पता चले, ठीक है। और जिनका जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, जो तैयारी कर रहे थे, वो बिल्कुल भी उसकी तैयारी में बिल्कुल भी रुकावट ना आने दें, अपना सप्लीमेंट चलाते रहें, साइकिल चलाते रहें, वरना साइकिल के बारे में आपने सुना है ना, साइकिल के कुत्ते फेल हो जाते हैं, आपके कुत्ते फेल हो जाएंगे, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, हकीकत है। तो इसलिए सभी इस बात को ध्यान दें और अपना जो रूटीन जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहें। बाकी मैं आप लोगों को सभी को फ्री हैंड एक्सरसाइज की वीडियो वगैरह जो है अपने चैनल पे डाली रहूं, तो ठीक है, उस चीज़ को आप ध्यान रखें और बाकी मुझे कमेंट करें और मैसेज करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप जैसे कहेंगे, जिस बार भी कहेंगे मैं आपकी हेल्प करूंगा, और जिस चीज़ के लिए आपको, जिस वर्कआउट की आपको वीडियो चाहिए वो मैं आपको वीडियो बना के आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।